नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल टी वाई टेक्निकल लेश अग्रवाल में। और आज वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ नोकिया 4.2 के कुछ स्पेसिफिकेशंस और उसकी लॉन्चिंग डेट, ये सब कुछ मैं आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ नोकिया 4.2 के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी करे शुरू करते हैं। दोस्तों, नोकिया 4.2 के अंदर आपको बैटरी की बात करें तो 3000 mAh की बैटरी मिलती है। अब ज़्यादा नहीं है, 3000 mAh आपको बैटरी मिलती है, ठीक ठाक है। अगर आप बेसिक यूज़र, आप गेमिंग नहीं करते ज़्यादा, तो फिर आप फ़ोन को बाय कर सकते हैं। 3000 mAh की बैटरी सही है। और आपको स्नैपड्रैगन 439 मिलता है। स्नैपड्रैगन भी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, 439 प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 439 आपको तो मिलता है। मतलब मिड रेंज फ़ोन है वाला, बजट फ़ोन, ज़्यादा एक्सपेंसिव फ़ोन नहीं। अब यार एक्सपेंसिव फ़ोन तो अब नोकिया ला भी नहीं सकता, क्योंकि नोकिया काफ़ी दिनों बाद फ़ोन निकाल रहे हैं। बहुत टाइम हो गया फ़ोन निकाले नोकिया को, कोई स्मार्टफोन ज़्यादा नहीं आता इसके बढ़िया बढ़िया। तो फिर अब इसको मार्केट के अंदर बढ़िया इमेज बनाने के लिए, थोड़ा मार्केट ढंग से करने के लिए इसको मिड रेंज में थोड़ा फ़ोन निकालना पड़ेगा, जिससे लोग उसके फ़ोन को बाय करें। क्योंकि अब लोग सैमसंग, एमआई, रियलमी इन सब फ़ोन को बाय करते हैं, ओप्पो भी वो, तो अब नोकिया पे कम ही लोग आएंगे। इसलिए अब इसको मिड रेंज फ़ोन जिससे निकाला है। 439 आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल जाता है, और 4.71 इंच का आपको, 4.71 इंच का आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है, नॉच वाला, आपको नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है 4.71 इंच का। और दूसरे तो आपको दो वेरिएंट मिल जाते हैं, वेरिएंट भी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, 2GB और 3GB RAM, एक 2GB 3GB आपको दो वेरिएंट मिल जाते हैं इसके अंदर। अब स्टोरेज 32GB और 16GB, आप गेमिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते 2GB 3GB में, पबजी ऐसी गेम्स तो आप खेल नहीं सकते, फ़ोन हैंग हो जाता है, ज़्यादा रैम नहीं है इसके अंदर, तो फिर फ़ोन बढ़िया नहीं है बिल्कुल भी है। अब आते देखते कैसा होता है, कैसी सेल्स होती है। फ़ोन 2GB 3GB वाला रैम वाला वेरिएंट है, 16GB 32GB की तरह आपको स्टोरेज मिलती है। कुछ ज़्यादा इसमें खास नहीं है, आपको इधर डुअल रियर कैमरा मिल जाता है और डुअल रियर फेसिंग कैमरा, आपको दो फ्रंट और बैक दोनों के अंदर आपको डुअल कैमरा मिलते हैं। ये चीज़ बढ़िया है नोकिया की। बाकी अभी कितना एमपी मिलता है ये पता नहीं है, तो अब इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है। MWC 2019 के अंदर लॉन्च हो चुका है, इंडिया में जल्दी लॉन्च होने वाला है। अब दोनों साइड डुअल रियर कैमरा, आपको डुअल कैमरा मिलता है, बढ़िया है। लेकिन जो प्रोसेसर है, स्टोरेज और बैटरी है, ये थोड़ा बिल्कुल ही बेस लेवल हो गया, इसलिए फ़ोन ज़्यादा बढ़िया नहीं है। और ये था कुछ नोकिया का रिव्यू। तो अगर आज आप वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने और दोस्तों तक, जो कि शायद जो नया फ़ोन खरीदने की सोच रहे हैं, क्या पता उनको थोड़ा बेसिक सा ही फ़ोन चाहिए तो वाला फ़ोन बाय कर सकते हैं, अगर उनको गेमिंग नहीं पसंद हो। बाकी सब व्हाट्सएप, फेसबुक, तो ये सब बेसिक चीज़ होता है, चली जाएगी। तो आज की वीडियो पर इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, बिल्कुल लाइक नहीं आता तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। आपको ऐसे मेरे यूट्यूब चैनल पर डेली वीडियोस मिलती रहेगी। जब तक स्टे ट्यून्ड विद टेक्निकल यश अग्रवाल। अगर आपने अभी तक मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो नहीं करा हुआ है तो उसको भी फॉलो कर दीजिए। इंस्टाग्राम हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, @TC यश अग्रवाल।